हेलो एंड वेलकम टू जस्ट शोबिज। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस और शो FIR फेम कविता कौशिक, जो जल्द ही एक वेब शो 13 छलावा में नजर आने वाली हैं। तो आइए सुने कविता के साथ हुई पूरी बातचीत। तो कविता जी, वेलकम बैक विद वन मोर शो। थैंक यू। इसमें क्या किया आप? मैंने इसमें एक बहुत ही रियल जोन में खेला है और बहुत ही रियल कैरेक्टर प्ले किया है। देखिए, ऑब्वियसली मैंने ज़्यादातर टेलीविज़न किया है पिछले, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि 2002 में मैंने अपना काम शुरू किया था और कुटुंब नाम के सीरियल के साथ मेरी एंट्री हुई थी इन टेलीविज़न। टचवुड, महादेव की इतनी कृपा रही है कि मतलब मेरे लिए प्लेग्राउंड रहा है। मैंने यही सीखा है, यही मैंने गलतियां भी की हैं, यही मेरे को फेलियर्स भी मिले हैं, तो सक्सेस भी कमाल की मिली है। उसके टेलीविज़न के दायरे में रहकर जितने भी मैंने रोल्स किए या मेरी जो भी एक लर्निंग हुई ना, जो मेरी टेलीविज़न टीचिंग हुई, उसमें मैंने थोड़ा सा लाउड ही परफॉर्म किया है। इनफैक्ट एज चंद्रमुखी चौटाला, विच इज माई मोस्ट सक्सेसफुल रोल, ऑब्वियसली इट वॉज लिटल ओवर द टॉप, या एंड इट वॉज ओवर द टॉप टू द लेवल ऑफ बींग अ लिटल कैरिकेचरिश, बट इट बिकेम आइकॉनिक। कि आज भी मतलब बच्चे रिपीट देख रहे हैं, जो अभी की जनरेशन है, दे आर रिकग्नाइजिंग मी बिकॉज दे आर वॉचिंग रिपीट, क्योंकि उनके घर में चल रहा है। सो आफ्टर दैट मैं इतना एक इमेज बन गई, अरे बड़ी स्ट्रांग है, अरे एक पर्सनैलिटी ऐसी है, डॉन है, डाकू है, गुंडा है, पुलिस है, यही एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी। बट ऑफकोर्स एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बींग आई वॉज लाइक मुझे और भी करना है। मुझे सब कुछ करना था। एक एज होती है ना अनिल, दैट यू वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, यू वॉन्ट टू अचीव, इवन इफ इट्स अ मिस्टेक यू वॉन्ट टू जम्प इन टू द वेल एंड सी हाउ डीप इज इट। एक वो एक होती है एज। सो आई डिड, देन आई डिड दिस पंजाबी फिल्म्स, बिकॉज मुझे ये था कि नहीं, क्यों नहीं, मैं हीरोइन, मैं बनूंगी प्रॉपर फिल्म की हीरोइन, मेरा भी प्रेमियर हो और मैं गिद्दे डालूं। आई डिड दैट, बट ऑनेस्टली सिंस आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई डिडंट एंजॉय इट मच, बिकॉज एज चंद्रमुखी चौटाला आई हैड टेस्टेड द ब्लड, आई हैड टेस्टेड द मीट्स ऑफ अ रोल, आई वॉज परफॉर्मिंग, आई वॉज डूइंग स्टंट्स, आई वॉज सेइंग मोनोलॉग्स, और इन पंजाबी फिल्मों में तो एक मतलब पूरी पिक्चर में इतने मेरे डायलॉग नहीं होते थे जितने में तो मैं FIR के एक सीन में बोल देती थी। सो आई ऑनेस्टली डिड नॉट एंजॉय इट। मैंने सिर्फ आई थिंक एक कहते ना कि टू चेक द लिस्ट, मैंने वो कर लिया था कि नहीं भाई हीरोइन देखना है मैंने खुद को, वो प्रीमियर में जाना है, ऑल दैट। ओके, फर्स्ट वन मूवी इट वॉज एक्साइटिंग, आफ्टर दैट इट वॉज लाइक ओके, आई मीन आई एम नॉट एंजॉइंग दिस टू मच, द रोल इज दिस नथिंग मच। सो नाउ आई फील द वेब स्पेस इज अ माइंड ब्लोइंग स्पेस, बिकॉज इट इज अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म विथ सो मच वराइटी, वराइटी ऑफ शोज, वराइटी ऑफ फिल्म, वराइटी ऑफ सीरीज, वराइटी ऑफ एनी थिंग, वे यू कैन प्ले इतने सारे, और वो भी रियल किरदार। ये नहीं कि वही टिपिकल सास का साड़ी पहन के, वही टिपिकल नो, रियल नेचुरल कॉन्वर्सेशनलिस्ट चीजें होती हैं। सो विच आई थिंक बिकॉज ऑफ वेब सो मेनी माइंड ब्लोइंग एक्टर्स जो बेचारे भूल गए थे लोगों ने, है ना, फिल्मों में खाली थोड़े बहुत कैरेक्टर, है ना, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं अगर आप देखो तो। वेब हैज गॉट देम बैक, विच आई थिंक इज अ बून, सो नाइस। और अच्छी भी बात यह है कि वेब में कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे एक्टर के अंदर को मौका मिलता है निखार करने। बिल्कुल वही ना, क्योंकि रियल, देखो रियल लाइफ में कोई एकदम प्योर ब्लैक या प्योर व्हाइट नहीं होता, एवरीवन इज ग्रे, नेचर इज नेवर स्ट्रेट, नेचर इज बेंडी, या एंड वो जो होता है ना, एक पीपल्स परसेप्शन एंड रियलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, जमीन आसमान का अंतर। सो दिस इज अ ग्रेट स्पेस टू प्ले अराउंड टैपिंग डिफरेंट ह्यूमन इमोशंस एंड प्लेइंग देम, अंडरस्टैंडिंग द लेयर्स ऑफ इमोशंस इन वन पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड प्लेइंग इट, सो देयर इज सो मच टू डू, इट्स लाइक अ कंप्लीटली ग्रेट न्यू एवेन्यू विच इज ओपन फॉर नॉट जस्ट एक्टर्स बट मेकर्स। मतलब मेकर्स भी तो परेशान हो रहे थे टीवी पे कि सेम सेम चीजें मांग रहा है चैनल, कि एक शो हिट। अब मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को एक हफ्ते पहले ही एक फोन आया है
बहुत ही जाने माने प्रोडक्शन हाउस है, बहुत ही रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने एग्जैक्ट मुझे अनुपमा की कहानी सुनाई है कि ये करना है हमें. एंड आई टोल्ड देम, हालांकि मैंने उतना शो देखा नहीं है, बट आई नो कि बहुत ही पॉपुलर शो है, आई नो कि रूपाली बहुत अच्छा कर रही है उसमें और कहानी लोग बहुत पसंद है, नंबर वन शो है, आई नो दिस, आई एम अवेयर. सो आई वॉज लाइक, यू नो, ये कहानी मुझे लग रहा है कि अनुपमा की कहानी है शायद. तो वो कह रहे हैं हाँ मैम वो बहुत चल रहा है ना शो, सो वी हैव बीन टोल्ड टू क्रिएट अराउंड. मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, वो चल रहा है उसको चलने दो, बढ़िया चल रहा है, आपको एक नया जॉनर करो. नहीं बट टेलीविजन में ये, सो आई ठीक है, आई होप द डे कम्स दैट वी स्टॉप गोइंग बैकवर्ड्स इन टेलीविजन एंड वी काइंड ऑफ प्रोग्रेस एंड वी मेक दैट वैरायटी दैट वी यूज टू हैव ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मालगुडी डेज, फौजी एंड सो मेनी स्टार बेस्ट सेलर्स, चंद्रकांता और भी इतने अच्छे अच्छे आते थे वो टाइम पे, अब तो वही सेम है. सो या तो सो इन दिस स्टोरी में आप कैरेक्टर क्या? सो ये एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है जो बाहर की दुनिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट कपल हैं, जो बिल्कुल कपल गोल्स एंड ओ वाओ एंड दिस लेडी शी इज वेरी ग्रेसफुल, शी इज वेरी डिग्निफाइड, शी इज वेरी लाइक यू नो वाओ प्रेजेंटेबल एंड दिस दैट, बट वॉट इज द सच्चाई ऑफ द रिलेशनशिप एंड ड्यू टू वॉट सर्कमस्टांसेस these characters show their true colors or maybe not show their true colors but change their colors from gray to maybe complete black or maybe complete white is what the story is. It's a suspense, it's fun. So it means since this is short, just a short, right? So can we see you in long format? Well, why do you want me to like work so hard? Yeah, 20 years not enough for, no I will, but again like I told you that I feel that you know har kisi ko apne personality ke hisab se milte bhi hai roles, plus I think audience enjoy bhi karti hai when you give them what you are best at. I am not a, I don't consider myself to be a very good looking girl or very beautiful. I think everyone in this room is more beautiful than me. I genuinely feel that. I've grown up to believe that. So my forte always has been action. It's always been comedy. It's been doing something which others can't do as well as I can do. And I feel if I will do something like a longer thing, it will be playing a detective or playing a cop or playing a villain. I am not going to be stuck wearing a sari, wearing uncomfortable clothes and, you know, doing something. So ki, don't you do glam babe kind of characters? No, yeah, it's so tough being glam babe. Yeah, I thought I'm looking at these girls, they are wearing these big heels and itna tayar mere se nahi hota hai. I like to be comfortable. I like to, yeah, be in my own skin, yeah. Hai na? And so like, itne saal aap yahan rahe ho, yahan tikne ka kya mool mantra hai? जाको राके साइया दोस्त, मार सके ना कोई, है ना? ऐसे बहुत टाइम आए हैं व्हेन यू नो मेनी थिंग्स लाइक, देखो जब व्हेन योर शो इज डूइंग सुपर हिट, एवरीवन कॉल्स यू, एवरीवन वांट्स टू कॉल यू होम फॉर डिनर एंड लंचेस एंड दे वांट टू सेलिब्रेट यू, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है. आपकी एक फिल्म भी ठीक अच्छा नहीं करती है, एक शांति हो जाती है, कोई पहचानता नहीं आपको इंडस्ट्री में. सो दैट्स हाउ पीपल, सो आई थिंक मेरे लंबे टिके रहने का दो चीजें हैं, एक तो महादेव का आशीर्वाद है, दूसरा आई फील मैंने अपनी किसी सक्सेस को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और मैंने अपने किसी भी फेलियर को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और मैंने अपनी लाइफ को अपने प्रोफेशन से बैलेंस किया है. मैंने अपने प्रोफेशन को सब कुछ एकदम परमात्मा मान के अपनी लाइफ मैंने छोड़ नहीं दी, अपने आप को मैं नहीं खोई. मैंने जब जब अपने आप को खोया है मैंने अपने पे काम किया है, फिर भले ही वो योगा आश्रम्स में जाकर रहना है, आयुर्वेद सीखना है, या अपने यू नो पिताजी के गांव जाकर, वहां पर मेरी दादी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती थी, वो आर्ट सीखना है, ट्रेडिशनल आर्ट. सो मैंने ना अपना जीवन भी जिया है और अपने कुछ ऐड किए हैं और भी टैलेंट्स. आई डिडंट जस्ट गो मैड वांटिंग टू बी लाइक दिस हीरोइन नंबर वन फॉरएवर. नो एंड द वे थिंग्स आर करंट इवॉल्विंग ऑन सोशल, पीपल आर बिकमिंग वेरी वेरी सेंसिटिव, कुछ भी बोलो कोई ना कोई भड़क जाता है.
तो वेरी केयरफुल व्हेन यू ट्वीट समथिंग ऑन सोशल मीडिया. सी आई विल टेल यू व्हाट, अर्लियर ना आई वाज आल्सो लाइक दिस, लाइक जब मैं कुछ गलत देखती थी तो मेरे को मन करता था कि मैं बोलूं कि अरे ये क्यों हो रहा है, या बच्चों को अरेस्ट किया क्यों किया जा रहा है, या ये चीज क्यों हो रही है, या एंड यू नो देन आई रियलाइज इट्स Why am I doing this? I am an actor. या तो मैं acting छोड़ के या तो मैं सीधा एकदम कोई एक क्रांतिकारी बन जाऊँ, politician बन जाऊँ. Actors को कोई नहीं seriously लेता. Audience actors से expect करती है entertainment. ठीक है? जब आप बहुत ज़्यादा wisdom की बातें करते हो या tweet वगैरह ज़्यादा करते हो, आपको सिर्फ गाली पड़ती है. क्योंकि obviously there's so many opinions and हमेशा याद रखना अनिल, अगर 10 में से 8 लोग कह रहे हैं अनिल वी लव यू, लेकिन 2 लोग कह रहे हैं अबे अनिल तेरी माँ के, यू विल नॉट रिमेम्बर द आई लव यू, यू विल रिमेम्बर तेरी माँ की. ठीक है? So, यही है. आई रियलाइज कि यार मैं किसके लिए बोल रही हूँ इतना. या तो मैं ये छोड़ के मैं करूँ कुछ, मैं बनूँ पॉलिटिशियन. एम आई गोना डू दैट? डू आई हैव द माइंडसेट फॉर इट? डू आई हैव द टेंपर फॉर इट? आई डोंट हैव द टेंपर फॉर इट. आई विल हिट समवन एंड देन आई विल बी इन जेल. सो आई रियलाइज इफ आई एम नॉट डूइंग समथिंग आई शुड फोकस ऑन माई वर्क. आई शुड नॉट वरी अबाउट द मिलियंस ऑफ ओपिनियंस, बिकॉज नाउ दैट ब्रिज हैज शॉर्टन्ड, यू नो, नाउ एवरीवन कैन राइट और से एनीथिंग. सो ठीक है, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल. कुछ अच्छा काम करते हैं तो तारीफ होती है, कुछ गलती करते हैं अच्छा काम नहीं होता तो गाली पड़ती है. कोई बात नहीं, अपने जीवन पे फोकस करते हुए अपना बेस्ट करते हुए सीधा चलना चाहिए, तो आई थिंक लंबी रेस के घोड़े बनते हो आप. थैंक यू वेरी मच. सो गाइस, ये था हमारा आज का सेगमेंट. अगर आप चाहते हैं कि आपको इंडियन टेलीविजन की ऐसी ही और भी लेटेस्ट न्यूज़, गॉसिप्स और अपडेट्स मिलते रहें, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए.